नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों, लाइम स्टोन क्रशर किसी भी सीमेंट प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होता है, जिसका कि इस्तेमाल हम माइन से आए हुए बड़े साइज़ के बोल्डर को क्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइन से जनरली जो भी बोल्डर आते हैं उनका साइज़ 1.5 से 2 मीटर होता है, और क्रशर के थ्रू हम उसको रिड्यूस करके 60 से 70 mm तक का ले आते हैं, जितना कि हमारा रिक्वायरमेंट होता है। लाइम स्टोन क्रशर में गैप सेट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, और आज इस वीडियो के माध्यम हम यही जानेंगे कि गैप क्रशर में गैप कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, सीमेंट प्लांट में 90% प्लांटों में हम LNT का ही क्रशर इस्तेमाल करते हैं। अब LNT में भी बहुत तरह के मॉडल आते हैं, APPM 1822, APPM 2022। तो आज हम जानेंगे LNT का क्रशर, जो मॉडल नंबर APPM 1822 है, उसमें क्रशर का गैप सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और जाने कि कैसे गैप सेटिंग होता है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको कभी भी गैप कहाँ पे कितना रखना है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे गैप सेट करते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि LNT के क्रशर APPM 1822 के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है क्रशर का रोटर, ब्लो बार, ग्राइंडिंग पाथ, रेयर इंपैक्ट आर्म, फ्रंट इंपैक्ट आर्म। दोस्तों, माना कि हमको क्रशर का प्रोडक्ट साइज 75 mm चाहिए, दैट इज x = 75 mm, और जो क्रशर का फीड साइज है, जो कि रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट माइन से आता है, वो हमारा लगभग 1200 mm का होता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला गैप है फ्रंट इंपैक्ट आर्म गैप, वो कैसे सेट करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए डायरेक्ट हम करेंगे दोस्तों, जो हमारा क्रशर का फीड साइज है उसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे, मतलब कि 1200 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब है दोस्तों कि फ्रंट इंपैक्ट आर्म का गैप हम केवल 250 mm ही रखेंगे। दूसरा गैप आता है दोस्तों रेयर इंपैक्ट आर्म। रेयर इंपैक्ट आर्म का फॉर्मूला होता है 2 × x + 10। एक्स यानी का जो हमारा प्रोडक्ट का साइज होगा क्रशर का, तो सिंपल है दोस्तों, 2 × 75 + 10 यानी का जो रेयर इंपैक्ट आर्म का गैप जो होगा हमारा, वो 160 mm का आएगा। फिर आते हैं दोस्तों ग्राइंडिंग पाथ का गैप हम कैसे एडजस्ट करते हैं। ग्राइंडिंग पाथ में दोस्तों दो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट एंड लोअर ग्राइंडिंग पार्ट। अपर का जो ग्राइंडिंग होता है उसका गैप हम सीधा से सेट करते हैं 2 × x यानी कि 2 × 75, दैट इज 750 mm। और जो लोअर ग्राइंडिंग पाथ का गैप होता है वो दोस्तों वो सीधा होता है हमारा प्रोडक्ट साइज यानी कि 75 mm। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रशर का गैप हम कहाँ पर कैसे रखते हैं, वो एक पिक्टोरियल व्यू में प्रेजेंट करने का मैंने कोशिश किया है। सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, फीड इंपैक्ट आर्म, फीड साइज डिवाइड बाय 5, रियर इंपैक्ट आर्म 2 × प्रोडक्ट साइज + 10, अपर ग्राइंडिंग पाथ 2 × प्रोडक्ट साइज, लोअर ग्राइंडिंग पाथ जस्ट प्रोडक्ट साइज। फीड साइज हमारा दोस्तों है 1200 mm मैंने लिया है, और प्रोडक्ट साइज 75 mm। तो दोस्तों, ये है तरीका क्रशर में कैसे गैप सेटिंग करते हैं, ताकि हमको रिक्वायर्ड मटेरियल साइज मिल सके और हम रॉ मिल का आउटपुट बढ़ा सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।